मित्रों, जय श्री राम। मैं ब्रजेश पांडे आज आप सबके मध्य एक नया टॉपिक लेकर के आया हूँ। बहुत व्यथा होती है, बहुत पीड़ा होती है जब हमारे लोग हमसे प्रश्न करते हैं कि मैं दुखी क्यों, मुझे सुख की प्राप्ति कब होगी या मैं प्रसन्न कब होऊंगा। मित्रों, देखिए, यह शरीर आपका है, यह आत्मा आपकी है, दुख का कारण भी आप ही हैं। आप ही हैं मतलब हम सभी हैं, हम अपने दुख का कारण स्वयं हैं। अब ये कहिए कि बाजू वाला हमें जबरदस्ती मारने आ रहा है, झगड़ा कर रहा है, या हमें टीजिंग कर रहा है, हमें तकलीफ़ दे रहा है, तो उसका कारण भी हम ही हैं। अब आप बोलेंगे कि सामने वाला जब मुझे परेशान करता है तो क्या मैं उसके विरुद्ध लड़ूं। नहीं, लड़िए, लेकिन जब सामने वाला परेशान कर रहा है उसका कारण क्या है यह जान लीजिए। मित्रों, कोई चीज़ हमें जब दुख देती है तो उसका कारण कहाँ से आता है, मैं आपको बताता हूँ। मैं प्रयास करता हूँ, यह मेरा शोध है, मेरा सारा वीडियो खुद का शोध होता है। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि लोग अपनी चीजों से खुश नहीं रहते, लोग अपने घर के बच्चों से, अपने परिवार के सदस्यों से प्रसन्न नहीं होते। उनको लगता है ये ठीक नहीं है, बाजू वाला अच्छा है। अपने घर से ठीक प्रसन्न नहीं रहते, अपने बिल्डिंग से, अपनी चाल से, अपने फ्लैट से, अपने बंगलों से, अपने एरिया से, अपने गांव से, अपने शहर से। उनको लगता है, यहाँ तक कि अपने बच्चों से लोग खुश नहीं रहते हैं, और बच्चों की देखें तो माता पिता से खुश नहीं रहते। उनको लगता है बाजू वाली आंटी, बाजू वाले अंकल अपने बच्चों का ज़्यादा ध्यान देते हैं। कुछ माता पिता सोचते हैं मेरा बच्चा तो ब्रिलियंट नहीं है, बाजू वाले का बच्चा बहुत ब्रिलियंट है। क्यों? मित्रों, ऐसा नहीं है। ठीक है, हर आदमी का पैमाना, जो मेजरिंग क्राइटेरिया होती है, अलग होती है। आप जिस चीज़ को देखते हैं, बाजू वाले की अच्छाइयाँ जो आपको नज़र आती हैं, चाहे आदमी के अंदर हो, चाहे उसकी चीज़ें हो, चाहे उसका भोजन हो, चाहे उसका रहन सहन, आप उसकी केवल अच्छाइयाँ देखते हैं। और अपना जब नंबर आता है तो हम अच्छाइयाँ बुराइयाँ दोनों देखते हैं। एक पति पत्नी अचानक आपस में बात कर रहे थे, पत्नी बोलती है आप ऐसे हैं, आपकी ये अच्छाई है बुराई। बाजू वाले को देखिए कितने अच्छे से लोग रहते हैं। या पति ने एक दिन ऐसे कहा, देखिए आपके अंदर ये कमियां हैं, ऐसा ऐसा है। बाजू वाले औरत को देखिए कितनी अच्छे से रहती है। तो उसका कारण यही मित्रों कि हम लोग दूसरे के यहाँ की अच्छाइयाँ केवल देखते हैं और अपने यहाँ की अच्छाइयाँ बुराइयाँ। तो जब अच्छाइयाँ बुराइयाँ दोनों देखेंगे तो सिंपल सी बात है, उसमें तो बहुत सारी चीज़ें नज़र आएंगी, बुराइयाँ भी। और हम बाजू वाले की बुराइयाँ नहीं देखते हैं। अच्छा, देखें भी तो कैसे देखें, चाह करके भी नहीं देख सकते। उसका कारण यह है कि हमें उसकी बुराइयां नहीं दिख सकती हैं, उसने अपनी बुराइयां छुपा रखी हैं। तो अगर आपको प्रसन्न रहना है तो अपनी बुराइयों को दूसरों से छुपाइए, उस पर कार्य करिए। भगवान बुद्ध क्या कहते हैं, उन्होंने भी संसार में देखा बहुत दुख है और दुख के लिए वो समाधि में चले गए। ठीक है, लेकिन हम आपको यह नहीं कहेंगे आप समाधि में जाइए, दुख से लड़िए भी मत, दुख का निराकरण निकालिए। दुख को कैसे रिप्लेस किया जाए, जिस स्थिति को आप दुख कहते हैं किसी के लिए वह सुख से भी अच्छा हो सकता है। जिसको आप कहते हैं कि मैं केवल 2 टाइम भोजन पाता हूँ या 1 टाइम भोजन पाता हूँ, आप यह देखिए किसी को वह भी नहीं प्राप्त हो रहा है। तो दूसरों को देख करके अपना कंपेयर करना बंद कर दीजिए, सुख पाने का पहला साधन है। और जो दूसरों को आप अच्छाइयाँ ढूंढ रही हैं, वही अच्छाइयाँ आप अपने पति में, अपनी पत्नी में, अपने बच्चों और अपने परिवार के सदस्यों में देखो। अपनी बुराइयां न देखिए, यदि बुराइयां देख भी नहीं तो कहिए मत, उसको अलग ढंग से, अलग तरीके से, अलग माध्यम से उसको आप रखिए सामने वाले के, ताकि वह इरिटेट होने के बजाय, गुस्सा होने के बजाय, रिएक्शन करने के बजाय प्रो एक्शन करे। मित्रों, कभी भी किसी चीज़ पर एक्शन या रिएक्शन लेने के बजाय उस पर प्रोएक्टिव एक्शन होना चाहिए, करेक्टिव एक्शन होना चाहिए, उस पर कार्य किया जाना चाहिए। न कि हम आपकी बुराई करें, आप हमारी करें, इस तरह से तो हम दोनों नष्ट हो जाएंगे, न आप मेरे लिए बचेंगे और न मैं आपके लिए बचूंगा, तो फिर बात नष्ट हो जाएगी, समाज से एक अच्छा परिवार दूर हो जाएगा। इसलिए हम आपसे विनंती करते हैं, आशा करते हैं कि आप अपनी बुराइयां न देख करके अपनी अच्छाइयों पर ध्यान करिए। और आप बहुत अच्छे हैं, आपके परिवार के सभी सदस्य अच्छे हैं, जिन दूसरों से कंपेयर कर रहे हैं उनसे लाख गुना अच्छे हैं, और उनसे यह कंपैरिजन करना आज बंद करें। उनके अंदर वैदिक गुणों का, अच्छाइयों का, अच्छे चैनल देखिए, अच्छे सीरियल्स देखें, अच्छे लोगों के साथ रहें। जो गंदे लोग आ रहे हैं अचानक, तो उनको आप घर से भगा नहीं सकते, लेकिन आप उनकी दोस्ती थोड़ा कम करिए। उनका आने का टाइमिंग देख करके आप अपना समय सारणी बदल दीजिए,
आप अपने काम में लग जाइए, उस समय आप घर से मंदिर चले जाइए, किसी अच्छी जगह पर बैठिए, संतों का दर्शन करिए, मित्रों से मिलिए, अच्छी किताबें पढ़िए, श्री रामायण श्रीमद् भगवद गीता पढ़िए, और भी पुस्तकें हैं, चैनल हैं, अच्छे अच्छे टीवी में बहुत सारे प्रोग्राम्स आते हैं, आप उनका अनुसरण करिए, पालन करिए, गूगल पर सर्च करिए अच्छी चीज़ें, और अपनी गलतियों के बजाय अपनी अच्छाइयों पर फोकस करो। देखो गलतियों तो नष्ट इतनी जल्दी होंगी नहीं, इसलिए अच्छाइयों को थोड़ा बढ़ाओ, गलतियाँ कम हो जाएंगी। गलतियाँ और अच्छाइयाँ सबके अंदर बराबर होती हैं, लेकिन कभी किसी की अच्छाइयाँ वो गलतियों के ऊपर पर्दा डाल देती हैं, और कभी एक दो गलती ऐसी होती है जो सारी अच्छाइयों को नष्ट कर देती है। तो मित्रों आप सभी से मैं ब्रजेश पांडे यही अनुरोध करता हूँ कि खुश रहना है तो दूसरों की अच्छाइयाँ देख करके सीख लो, लेकिन कहो मत, हल्ला मत पीटो, और खुद की अच्छाइयों को बढ़ाते जाओ और दूसरे की बुराइयों से सीख लेते जाओ। खुद बुराई खुद सीख लोगे तो यार बहुत छोटा पड़ जाएगा, समय समय बहुत छोटा है। ठीक है, गुरुग्राम से ब्रजेश पांडे आप सबके लिए ही शुभकामना लेकर के उपस्थित हैं। जल्द ही नया वीडियो लेकर के आऊँगा, हर वीकेंड में मेरा एक नया मोटिवेशनल वीडियो आप सभी के लिए आता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, जय श्री राम।